ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। कौन होगा धूम 4 का खलनायक? क्या अभिषेक और उदय होंगे इस बार फिल्म का हिस्सा? क्या है फिल्म की नई लोकेशन? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। वैसे तो हिट फिल्मों के सीक्वल्स का हर कोई इंतजार करता रहता है, और धूम सीरीज एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग बिना कुछ सोचे समझे देखने जाते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है क्योंकि इस फिल्म की अलग ही कहानी और अलग प्रकार के स्टंट्स देखने को मिलते हैं इसमें। भले ही इस फिल्म की थीम सेम हो और ये फिल्म एक चोर पुलिस की कहानी है, पर हर पार्ट में इसे एक अलग अंदाज में दिखाया जाता है। फिल्म के लिए उसकी स्टार कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सभी को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि कौन होगा अगले पार्ट का खलनायक। तो हम आपको बता दें कि इस बार अपनी अदाओं से सबको दीवाना बनाने के लिए लेडी चोर के रोल को अदा करने आएंगी इशक जादे फेम, परिणीति चोपड़ा जी हाँ, ईशा देओल, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु और कैटरीना कैफ के बाद अपने हॉट अंदाज को बिखेरने आ रही हैं परिणीति चोपड़ा। अब बात करें फिल्म के विलन के बारे में, तो इस रोल के लिए 3 नाम सामने आए हैं और वो हैं सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। पर सूत्रों की माने जब शाहरुख खान से इस रोल के लिए पूछा गया तो उन्होंने इस रोल के लिए साफ मना कर दिया। पर आदित्य और शाहरुख के रिश्ते ऐसे हैं कि आदित्य के एक फ़ोन करने पर शाहरुख खान ने इस रोल के लिए हामी भर दी है, लेकिन इस बात का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। बात करें सलमान भाई की तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि उन्हें धूम 4 के बारे में कोई खबर नहीं है, पर वो आदित्य के साथ एक मूवी ज़रूर करना चाहेंगे यदि उन्होंने मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट सोची है तो, पर फिलहाल उन लोगों ने मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया है। और वहीं बात करें खलनायक की तो अक्षय कुमार इस फिल्म में खलनायक का किरदार निभा सकते हैं अभिषेक और उदय के अपोजिट। बहरहाल धूम 4 में विलन का किरदार निभाने वाले ऋतिक ने इस फिल्म के लिए साफ मना कर दिया है। वहीं विलन की रेस में एक और नाम सामने है और वो नाम है रणवीर सिंह का, पर अपने बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने इस रोल के लिए हामी नहीं भरी है। फिलहाल तो इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने में अभी टाइम है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएगी। बात करें धूम 4 की शूटिंग लोकेशन की तो इस बार इस फिल्म की शूटिंग जापान जैसे देशों में होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।